हेलो गाइज, आप देख सकते हो मेरे पास निंजा 300 है। इसका न्यू शॉक ऑप्शन लाया हूँ मैं, आप देख सकते हो इसे। इसका न्यू शॉक ऑप्शन 17,400 कुछ रुपए का है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप इस बाइक को देख सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था, उसका शॉक ऑप्शन निकाल रहा था। अभी शॉक ऑप्शन इसका मिल गया है, अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर। आप देख सकते हो इस वीडियो को और कैसे फिटिंग करते हैं। तो गाइस, जब से अभी हम लोग लगा रहे हैं, आराम से लगाओ भाई, स्क्रैच ज़्यादा नहीं आना चाहिए। थोड़ा उधर क्रॉस करो, हाँ, उसके बाद में सेटिंग का किस तरह, फिर ये इसके अंदर जाएगा पहले, फिर उसके बाद में ऊपर का निकालो। बस जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर सबसे न्यू लग गया हुआ है इसके अंदर। अभी हमें बोल्ट लगाना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, तो 17 नंबर का ये बोल्ट है जो यहाँ से आप और थोड़ा ऊपर उठाओ भाई, थोड़ा ऊपर नीचे करो। हाँ, ऊपर का बैठ गया है, अभी ये लगाना है। तो अब इधर आ जाओ आप, रुको भाई, पहले इसको पकड़ के रखो एक मिनट। हाँ, नीचे आने दो, और नीचे आने दो, आने दो नीचे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, बस ये देख सकते हो आप यहाँ पे। थोड़ा सा हल्का ऊपर, बस ऊपर करो, हल्का सा, हल्का ऊपर उठा। तो ये सो बैठ गया है बोल्ट यहाँ पर, आप देख सकते हो ये सस्पेंशन है पूरा, लोग ऊपर तक देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी 3 बोर्ड लगाना है अभी हमें, यहाँ अंदर देख सकते हो प्लग गया है। और अभी यहाँ पे पट्टी लगाने लगा हुआ है, बाहर धूप है इसकी वजह से ये थोड़ा सा अंदर। ये तो नहीं लग रहा, और नीचे दबाओ, और नीचे दबाओ, और दबाओ, तो सो गाइस ये पट्टी जो रहती है यहाँ पर नीचे से ऊँचे सपोर्ट के लिए, अब देख सकते हैं ये पट्टी यहाँ पर है। अब थोड़ा ठोको इसको, रुको बाहर आ रहा है, गाड़ी थोड़ा नीचे दबाओ, अरे ऊपर दबाओ, ऊपर उठाओ, हाँ बस हो गया, फिटिंग हो गया। तो सो रुक गया, हो गया। अब ये बोल्ट यहाँ पे लगेंगे, पाना लगा उधर फटाफट, टाइट कर, हाँ ये लो। इसमें शॉक ऑब्जर खोलने के लिए सिर्फ 19 का एक फिक्स पाना लगेगा और एक 17 का बॉक्स पाना। तो सो अभी हम लोग लगा रहे, टाइट करो, कौन सा टाइट कर रहे, हाँ चलो। कब से लग गया है, अभी हमारा कम्प्लीटली फिटिंग हो गया, हम लोग टाइट कर रहे हैं इसको, और ऊपर एक बोल्ट टाइट करना है, उसके बाद में फिर गाड़ी का चेन सेटिंग करेंगे और गाड़ी को फुल वॉश करके एकदम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो बाइक का कंडीशन बहुत ख़राब है, जिससे मिट्टी उट्टी देखो पूरा लगाए, उसको पूरा क्लीन करके फुल सर्विस करना है, उसके बाद में फिर राउंड मार के लेना है। ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा कर रहे हैं? ऊपर वाला। हाँ, तो सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बोल्ट को टाइट कर रहे हैं अभी। ये फुल टाइट हो गया है, विन हो गया नीचे वाला, अभी इसको टाइट कर रहे, सो
ये हो गया है, और एक नट इसमें लगा दिया है, नहीं फंसा है। 17-19 का कितने थर्मस को लूट लिया बहुत यार, 150 का थर्मस तो बिल्कुल ग्राउंड में आ गया। 好呀 इसको थोड़ा ठोक, आराम से ठोक, इस सोकअप्सर को मत मारो, स्क्रैच लग जाएगा नहीं तो। बस तो गाइस जैसे आप देख सकते हो ये सुमा फाइनली सोकअप्सर हमारा कंप्लीट हो गया इस बाइक का। अब मुझे इससे मेन स्टैंड पे लगाना है गाड़ी, मेन स्टैंड पे लगा के चेन वेन सेटिंग करके गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाना है। वास बहुत गंदी हो चुकी है काफ़ी टाइम से, सोकअप्सर मंगाने में मुझे कम से कम 4 से 5 डे लग गया है इस सोकअप्सर को लाने के लिए। फाइनली आज हो गई है कम्प्लीटली। चलो उसको वाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को पूरा देखो। कोई भी बाइक के बारे में पूछना है तो मेरे कमेंट करके आप किसी भी बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू गाइज़।